ये साल अप एंड डाउन रहा मेरा, क्योंकि मेरा वर्ल्ड और कॉमनवेल्थ में अच्छा नहीं रहा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही था कि अच्छा खेल के मेडल लूँ और चैम्पियन बन के जाऊँ। और लास्ट टाइम जैसे नेशनल गेम्स में भी मैं चैम्पियन बनी और अभी भी मैं चैम्पियन बनी, तो यही कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं अपना 100% लेती जाऊँ और मैं अपनी देश के लिए मेडल लाती रहूँ। ये साल अप एंड डाउन रहा मेरा, क्योंकि मेरा वर्ल्ड और कॉमनवेल्थ में अच्छा नहीं रहा। फिर मैंने वेट चेंज किया, क्योंकि जो मैंने वर्ल्ड और जो मैंने कॉमनवेल्थ का वेट कैटेगरी था वो ओलंपिक में नहीं था, और फिर मैंने चेंज किया, 75 केजी में आई जो कि ओलंपिक में है। और उसमें मेरा 2-3 कंपटीशन खेला, अभी तक मेरा तीनों कंपटीशन बहुत अच्छा रहा। और देखा जाए तो पहले थोड़ा प्रॉब्लम आया, फिर उसके बाद अभी ठीक हो रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पर चैम्पियन बन के। तो ये साल ऐसे ही ख़त्म हुआ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर मेरे लिए। पहले तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और वो इंडिया में ही हो रहा है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं हम लोगों के लिए। और मतलब उससे भी ज़्यादा एशियन गेम्स इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन होगा। और मेरे लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि बाकी जो वेट कैटेगरी है ओलंपिक का, उसमें 4-5 को क्वालिफाई के लिए चांस मिलेगा, लेकिन मेरे वेट कैटेगरी में सिर्फ 2 ही लड़की को मिलेगा। और मतलब जो फाइनल तक पहुंचेगा वही क्वालिफाई होगा। तो मुझे एशियन गेम्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और उसके पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसके लिए भी मुझे अच्छे से प्रिपेयर होना है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2021 और 2022 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि 21 में मैंने ओलंपिक खेला, उसके बाद 2022 का साल है, और नेक्स्ट ओलंपिक के लिए मैं तैयार कर रही थी अपने आप को। तो ये साल बहुत डिफ़िकल्ट भी गया, और लास्ट में सब कुछ अच्छा ही रहा, क्योंकि लास्ट कंपटीशन था, इसमें मैंने चैम्पियन बना, तो अच्छा ही रहा। और बॉक्सिंग एक तपस्या होते है, उसको एक मतलब बहुत पेशेंस रख के खेल के जाना पड़ता है, तो ये 4 साल का तपस्या रहता है। तो मेरा मतलब इजी तो रहेगा नहीं, और डिफ़िकल्ट ही रहेगा आने वाले टाइम के लिए भी। प्रेशर तो होता ही है, अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए एक दूसरा प्रेशर भी आ जाता है, लेकिन उसको किस तरीके से हैंडल करें हम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दो चीज़ है कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिव ले सकते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव लेने की कोशिश करती हूँ, और उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। उसका भी जैसे अभी एशियन चैम्पियनशिप में भी उसका ब्रॉन्ज आया, फिर अभी उसका नेशनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो अच्छा लगता है कि हम दोनों आसाम से ही है, और उसका भी ओलंपिक वेट कैटेगरी है, और वो जैसे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी वो अच्छा करेगी, हम दोनों ओलंपिक खेलने जाएंगे।